वेलकम टू के न्यूज सिंधी। इस देश को लॉकडाउन हटाना बड़ा महंगा अब हो सकता है, ये हाल। लॉकडाउन में ढील देने के बाद कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। एक बार फिर से हड़कंप मचा दिया कोरोना वायरस ने। बड़ी मुश्किल से देश में कोरोना पर कुछ काबू पाया जा सका, फिर दोबारा से वो बढ़ चुका है। पिछले कुछ महीनों में वैश्विक महामारी कोरोना वायरस ने पूरी दुनिया में हाहाकार मचा रखा है। इस वायरस की दस्तक के चलते कई देशों में अपने यहाँ लॉकडाउन लागू कर रखा है, लेकिन इस वायरस का प्रकोप कम होने का नाम ही नहीं दे रहा है। ऐसे में जर्मनी ने बीच में अपने कई शहरों में लॉकडाउन में ढील दे दी थी, लेकिन जर्मनी को ये ढील देना पड़ गया महंगा। लॉकडाउन में ढील देते ही देश के उन इलाकों में फिर से कोरोना वायरस ने हावी होने लगा और संक्रमित की संख्या बढ़ने लगी है। लॉकडाउन में ढील देने के बाद कोरोना मरीजों की बढ़ती संख्या ने एक बार फिर से देश में हड़कंप मचा दिया है। बड़ी मुश्किल से जो राज्य में कोरोना के प्रकोप पर कुछ काबू पाया जा सका, लेकिन ढील देने के बाद उन क्षेत्रों में कोरोना वायरस ने फिर से अपनी पकड़ मजबूत कर ली है। छूट दी गई राज्यों में मामलों को बढ़ता देख तय किया गया है कि अगर 7 दिन से प्रति 1 लाख व्यक्ति पर नए पॉजिटिव केस की संख्या 50 से अधिक होती है तो दोबारा लॉकडाउन लागू कर दिया जाएगा। जर्मनी की 3 राज्यों में लॉकडाउन में छूट मिलने के बाद 7 दिन में तय सीमा के अधिक नए केस सामने आए हैं। छूट देने के बाद मामला तेजी से बढ़ने लगा। संबंधित देशों में रिक्तास स्टडी स्टॉप फिटनेस स्टूडियो का फैसला स्थगित कर दिया गया है। जर्मनी में राज्यों को लॉकडाउन के नियमों से छूट देने के विषय में फैसला लेने की अनुमति दी गई थी। जर्मनी में कुल 16 राज्य हैं। जर्मनी में सबसे अधिक आबादी वाले नॉर्थरीन वेस्टफेलिया के नाम मीट सप्लाई सेंटर में अचानक 105 स्टाफ संक्रमित पाए गए हैं, जिसके बाद सभी मीट प्रोसेसिंग फ्लैट में स्टाफ का कोरोना टेस्ट कराया गया। फिलहाल जर्मनी के सभी राज्यों में इस बात की अभी तक सहमति जता दी गई है कि अगर 7 दिन में 1 लाख की आबादी पर 50 नए केस सामने आएंगे तो लॉकडाउन दोबारा से लागू कर दिया जाएगा। जर्मनी में अब तक कोरोना वायरस से 1,70,000 लोग संक्रमित हो चुके हैं, जबकि 7,500 से अधिक लोगों की कोरोना से मौत हो चुकी है।